फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ सनस्क्रीन के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सनस्क्रीन के बारे में मैं आप सबको बताऊंगी कुछ पॉइंट्स जो हमारे स्किन के लिए कैसा सनस्क्रीन चाहिए, कौन सा बेस्ट है। तो चलते हैं आगे। सनस्क्रीन एक मल्टीटास्किंग क्रीम है जिसका इस्तेमाल सिर्फ धूप से बचाने के लिए नहीं किया जाता बल्कि हमारे स्किन के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों में लगाया जाता है तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, ये रॉन्ग है। सनस्क्रीन को आप हर मौसम में, जब भी आप घर से बाहर निकलने से पहले लगा लेना चाहिए हमें स्किन पर, क्योंकि ये आपके स्किन को सनरेज, सूरज की जो किरणें होती है वो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल यूवी रेज रहता है, स्किन को जल्दी डैमेज करता है और सनस्क्रीन हमें सनबर्न से भी बचाती है। फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट्स जानने के बाद भी बहुत सी गर्ल्स और वुमेंस ऐसी होती है जो डेली बेसिस पर सनस्क्रीन यूज नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज बस उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ मैं पॉइंट भी बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहला पॉइंट, सनस्क्रीन हमारे चेहरे पर एक हेल्दी लुक देता है। अगर आप अपने स्किन पर कोई ऐसी क्रीम या स्किन प्रोटेक्शन का यूज नहीं करती हैं जो सनरेज यूवी से बचाता है तो आपकी स्किन ड्राई होकर डैमेज हो सकती है। सुबह घर से जब भी आप बाहर निकलो तो इसलिए भी ज़रूरी है, जो आपकी स्किन को वातावरण से स्किन पर नुकसान पहुंचाती है उससे भी आप सेफ हो सकती है। सनस्क्रीन लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे स्किन की जो बाहरी लेयर होता है वो प्रोटेक्टेड रहती है और हेल्दी ग्लो आता है स्किन पर। फ्रेंड्स, हमें हमारी स्किन टाइप के हिसाब से ही सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए। अगर आपके फेस पर ज़्यादातर कील मुहासे निकल आते हैं और मुहासे ठीक होने के बाद भी दाग रह जाते हैं तो इस प्रॉब्लम को भी दूर करता है सनस्क्रीन। डर्मेटोलॉजिस्ट के माने तो इस प्रॉब्लम को पोस्ट एक्ने हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। अगर आप रेगुलर यूज करती है सनस्क्रीन तो आपके फेस पर जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सनस्क्रीन लगाने से हमारे फेस पर एक नेचुरल ब्यूटी भी आती है। स्किन में मौजूद कोलाजन, केराटिन और इलास्टिन जैसे एसेंशियल स्किन प्रोटीन को सेफ्टी बनाए रखने में और मेंटेन करने में भी सनस्क्रीन हेल्प करती है। ये वो एसेंशियल प्रोटीन है जो स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग बनाए रखती है। सनस्क्रीन हमारे स्किन पर प्रीमियर की तरह काम करता है फ्रेंड्स, और ये फेस फाइन लाइंस, ड्राइनेस और ब्राउन स्पॉट्स को दूर करने में भी हेल्पफुल है। स्किन को अलग अलग प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको SPF की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, अब बात आता है कैसा सनस्क्रीन लेना चाहिए। देखिए, दुकानों में तो आपको बहुत सी सनस्क्रीन मिल जाएगी लेकिन सभी सनस्क्रीन हमारे स्किन प्रोटेक्शन के लिए अच्छे से काम नहीं करती। रीज़न ये है फ्रेंड्स, आपको 50 SPF लिए लाइट, ऑयल फ्री और वाटर प्रूफ सनस्क्रीन लेना चाहिए। तो आज मैं आपको 3 सनस्क्रीन के बारे में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा बेस्ट लगा। सबसे पहले आती हूँ लोटस हर्बल सेफ यूवी सनस्क्रीन मैट जेल अल्ट्रा स्मूथ मैट लुक ऑयल कंट्रोल PA++ UVA SPF 50 UVB। ये सनस्क्रीन नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। इसका ₹455। तो फ्रेंड्स, ये एक जेलियस फॉर्मूला है, हमारी स्किन पर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। आप देखेंगे जब आप स्किन पर लगाओगे इसका कोई कलर नहीं है, ये नॉर्मल स्किन के लिए परफेक्ट सनस्क्रीन है। फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसे सनस्क्रीन होते हैं जब हम स्किन पर क्रीम लगाते हैं तो ज़्यादा वाइट हो जाता है या फिर कुछ देर में वो अजीब स्किन पर वेट आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता, तो उस टाइप का ये बिल्कुल नहीं है। बहुत ही लाइट वेट है, जेल लाइक फॉर्मुलेशन है। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट अवर स्किन एजिंग, पिगमेंटेशन, डिसकलरेशन एंड रेडनेस। ये सनस्क्रीन में जो मैट जेल टेक्चर है हमारे फेस पर एक ब्यूटीफुल मैट फिनिश लुक देता है। आपको बताती हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो 15 मिनट पहले इस सनस्क्रीन को अपने फेस पर, नेक पर और अदर एक्सपोज एरियाज ऑन योर बॉडी अच्छे से लगा लीजिए बिफोर गोइंग आउटडोर। अगर आप पूरा दिन बाहर रहती हैं तो फ्रेंड्स आपको इसे हर 2 घंटे में लगाना होगा। बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज़।
और हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोग इसे डरते हैं, इसमें पैराबिन है। तो फ्रेंड्स, सारे पैराबिन एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारे स्किन के लिए अच्छे भी है। तो आपको अगर ये सनस्क्रीन से अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है तो आप यूज कर सकती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी अच्छे हैं। मैंने 2 वीक यूज किया है, मुझे अब तक कोई इशू नहीं मिला, अच्छा लगा। आई लव दिस सनस्क्रीन। तो आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं। और अगर ऐसे जेल फॉर्मुलेशन आपको कोई सनस्क्रीन मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए। मैं भी ऐसे टाइप की सनस्क्रीन पसंद करती हूँ। तो बेस्ट सनस्क्रीन का नेम या कौन सा आप लोग को बेस्ट लगा यूज करती हैं जो आप लोग मेंशन कीजिए, मैं भी ट्राई करूँगी। तो अब नेक्स्ट मैं सनस्क्रीन को दिखाती हूँ। ये है मामाअर्थ हाइड्राजेल इंडियन सनस्क्रीन एलोवेरा एंड रास्पबेरी SPF 50 ₹399। अगर आप इस प्रोडक्ट को मामाअर्थ की वेबसाइट से अगर ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था, मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि मैंने मामाअर्थ का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल नहीं किया है फ़ोन में। अगर आप लोगों के पास है मामाअर्थ का एप्लीकेशन, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं उसे, तो वहाँ से ऑर्डर करने से आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है। बताती हूँ मैं, मामाअर्थ हाइड्राजेल इंडियन सनस्क्रीन एलोवेरा एंड रास्पबेरी SPF 50। तो ये क्रीम SPF 50 है, जेल फॉर्मूला है। इसमें एलोवेरा का भरपूर गुण दिया गया है, हाई इंफ्लामेटरी है प्रॉपर्टीज़। और फ्रेंड्स, इसमें अच्छे स्मेल है। वरना कोई सनस्क्रीन ऐसी भी होती है जिसका स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इरीटेट लगता है, तो ये वैसा बिल्कुल नहीं है। और फ्रेंड्स, इसमें रास्पबेरीज है जो हमारी स्किन को रेजुविनेट देती है, यानी स्किन को जीवंत करती है, फ्रेश लुक देती है। और फ्रेंड्स, हमारे स्किन पर जो उम्र बढ़ने की जो संकेत आता है उसे कम करती है ये, यानी रिवर्स साइन इन एजिंग, जैसे फाइन लाइन्स, डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स को दूर करने में हेल्प करती है। ये क्रीम लाइट है और नॉन ग्रीसी है। जेल फॉर्मूला में एक अच्छी प्रोटेक्शन है, हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। मामाअर्थ हाइड्राजेल सनस्क्रीन की बात करें तो ये आपको 6 आवर्स प्रोटेक्टेड रखती है। अगर आप कहीं बाहर जाते तो आप दिन में एक बार लगाओगे तो काम चल जाएगा। जैसे कि लोटस आपको हर 2 घंटे में लगाना है, इसको आपको बस 6 आवर्स, बस एक बार दिन में लगाओगे 6 आवर्स प्रोटेक्टेड आपको, मतलब विदाउट टेंशन आप सनस्क्रीन लगा कर घूम सकते हो। नेक्स्ट होम्योपैथी का ये सनस्क्रीन है, सनी हर्बल सन केयर क्रीम SPF 30 इम्प्रूव सन प्रोटेक्शन ₹250। तो ये क्रीम मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ये क्रीम थोड़ा ज़्यादा ऑयली है। ये क्रीम आप समर में लगाओगे तो थोड़ा आपको चिपचिपा फील हो सकता है, आपको स्टिकी फील हो सकती है। तो इसे आप अगर विंटर सीजन में यूज करते हो, ये विंटर के लिए परफेक्ट क्रीम है। विंटर में ये अच्छा ऑयली, हम लोग को स्किन को मॉइस्चराइज भी करना होता है, तो ये क्रीम बेस्ट है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा क्रीम। मैंने इसे विंटर में यूज करती हूँ, काफ़ी मतलब इसका अच्छा लगा, स्मेल भी अच्छा है। और इसे देखे जाए तो इसका 100 ग्राम 250 में मिल रहा है आपको। मामाअर्थ का थोड़ा कॉस्टली है, वो मिल रहा है आपको 399 का 50 ग्राम। तो वहाँ उस तौर से देखा जाए तो ये मिलता है सनस्क्रीन आपको होम्योपैथी का सनी हर्बल जो इस क्रीम है 250 में 100 ग्राम आपको मिलता है। इस क्रीम में मुझे फ्रेंड्स ये अच्छा लगा, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए गए, प्रॉपर्टीज दिए गए, वो सारे इसमें हर्बल है। इसमें कोई फ्रेगनेंस या ऐसी पैराबिन जैसी कोई भी इसमें केमिकल नहीं है। और अगर आप इसे समर सीजन में लगाते हैं तो आपको स्टिकी फील हो सकती है इससे, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली लुक आता है इससे। वैसे मुझे ये भी अच्छा लगता है क्रीम ये फ्रेंड्स, क्योंकि ये हर्बल है, इसमें कोई भी मतलब ऐसी केमिकल नहीं है, पैराबिन या कोई स्मेल फ्रेगरेंस ये कुछ नहीं है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं इस क्रीम में तो वो सारे हर्बल हैं फ्रेंड्स। होम्योपैथी क्रीम है ये, अच्छा ये भी अच्छा ही है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह ये सब यूज नहीं किया गया है। इस तरह से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सनकेयर सनी हर्बल सनकेयर को भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये क्रीम भी अच्छा लगा फ्रेंड्स, इसे भी मैंने यूज किया तो कोई भी इसका कलर या वाइटनेस नहीं आता है स्किन पर। इस क्रीम में आपको मिलेगा एलोवेरा, कैलेंडुला, सैंडलवुड ऑयल, टर्मरिक हनी, सी बटर एंड बीट जर्म ऑयल। ये एक अच्छा सन प्रोटेक्शन, हाइड्रेशन एंड स्मूथनेस हमारे स्किन पर लाती है। सैंडलवुड हमारे स्किन के लिए एंटीसेप्टिक है। हनी, सी बटर एंड बीट जर्म
ऑयल्स, ये हमारे स्किन को अच्छी मॉइस्चराइज करती है, डैमेज होने से बचाती है, सॉफ्टी और सिल्की बनाती है। इसे आप बाहर जाने से पहले 20 मिनट पहले आप इसे इस क्रीम को अच्छे से अपने फेस नेक पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।